नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर बंडा शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय में कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। बंडा के शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सेमेस्टर की उत्तर कॉपी जमा करने के लिए 2 या 3 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी में कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कॉलेज में न सैनिटाइजर न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हमने पाया कि विद्यार्थी कड़ी धूप में लाइन में लगे हुए थे और विद्यार्थी बहुत परेशान थे। प्राचार्य से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय में शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है, क्योंकि बंडा विधानसभा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन मासूम विद्यार्थियों पर प्राचार्य की लापरवाही सामने आ रही है। सागर बंडा से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। हमारे यहाँ सैनिटाइजर था, अभी अभी उसको फिर से व्यवस्था करवा रहे हैं, प्राचार्य को सूचित कर दिया है। और जहाँ तक भीड़ का प्रश्न है, तो आप 9 तारीख से ये जमा करने का प्रावधान था, पर आखिरी दिन है आज 14 तारीख, तो एकदम से वो आए हैं। तो सभी छात्र चाह रहे हैं कि हमारा पहले हो जाए, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और उसका पालन सख्ती से करवाया जाएगा। तो ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि पर्याप्त स्पेस हमारे पास है। जो आपके पास स्पेस है, बच्चे 2 या 3 घंटे लाइन में लगे हुए हैं जी, ऐसी परिस्थितियों में आपकी कॉलेज द्वारा क्या सूचना या व्यवस्था की गई थी? सूचना बहुत पहले से दे दी गई थी और कॉलेज का जो मेन गेट है उस पर भी सूचना चस्पा की गई थी और कॉलेज के सूचना पटल पर भी लगाई गई थी और ग्रुप में भी डाल दी गई थी। ये सूचना बहुत पहले से दे दी गई थी। और इसके अलावा ये बंडा ब्लॉक में 4 सेंटर बनाए गए हैं, एक को राजीव गांधी महाविद्यालय बंडा, दूसरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरा, तीसरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनेगा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगर। तो क्योंकि बंडा सेंटर में है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि हमारा यहीं जमा हो जाए। आपने 4 भागों में बनाए हुए हैं जी। बंडा कॉलेज में कितने स्टूडेंट आएंगे? बंडा कॉलेज में हमारे यहाँ के नियमित विद्यार्थी तो 800 विद्यार्थी, तो वो तो आएंगे ही। इसके अलावा प्राइवेट वाले भी आएंगे, बीएड वाले भी आएंगे और अन्य कोर्स में भी जो बैठ रहे हैं वो भी आएंगे, तो भीड़ भरना तो स्वाभाविक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एचआर ठाकुर, मैं यहाँ का परीक्षा प्रभारी हूँ। क्वेश्चन? समस्या नहीं, यहाँ 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ और ये भीड़ पड़ी हुई है। कोरोना नहीं हो रहा है क्या? आपने इस संबंध में प्राचार्य से संबंध में बात की? अभी तो नहीं गए, मतलब 2 घंटे से यहीं पे खड़े खड़े देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे भीड़ कितनी लगी हुई है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जैसे आप आज कॉलेज किस कारण से आए थे? कॉलेज में एग्जाम जमा करने आया था, ओपन बुक प्रणाली वाले। कहाँ से आए हूँ? मैं बंडा से ही। तो करीबन कितने घंटे हो गए आपके यहाँ? मेरे को 2 घंटे हो चुके। कुछ उम्मीद है आपको अंदर जाने की? अभी तो नहीं लगता, भीड़ को देख के कुछ अंदर जा पाएंगे। आज की आखिरी डेट एग्जाम जमा करने की? आज आखिरी। करीबन कितने बजे तक जमा कर पाएंगे आप? करीबन 4:30 के समथिंग तक। क्या मतलब आप किस क्लास में है? एमए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर हम लोग 2-3 घंटे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए और अंदर जाने के लिए यहाँ पर स्कूटी का काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो एग्जाम वो सबमिट कराना है, यहाँ पर बहुत देर से लाइन में खड़े हुए। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? हाँ, यहाँ के स्टूडेंट हैं। भीड़ दिख रही है आपको? तो ऐसे कोरोना का समस्या जा रही है। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? हाँ। आपको कहाँ अंदर जाना है? हाँ। अंदर जाने के लिए एंट्री कराना पड़ रही है। हाँ। करीबन कितने घंटे से लाइन में लगे हुए हैं? काफी समय हो गया है लाइन में लगे हुए। अंदर किस काम से जाना आपको? वो मतलब पेपर जमा करने, फॉर्म जमा करना है। जो तुम्हारा चैनल चल रहा है तुम दिखा रहे हो, तुम्हारा चैनल चल रहा सिरा जो तुम दिखा नहीं रहे। अरे
चलो माइक हो गया चलो एफ इंटीरियर बंदर आदि बना।